पा रहे हैं कि भाई इन्होंने हमको शिकायत किया और आवेदन मेरे पास आए। कोरोना काल में बाहर से जो माइग्रेंट लेबर आए थे उसको रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर अलग अलग तरह के कार्य किए गए थे, और ऐसे में कोई लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। जेडीयू कार्यालय के पास हम हैं और इस वक्त यहाँ पर जनता दरबार कुछ देर पहले चल रहा था और मंत्री आए थे, अलग अलग तरह के लोग के फरियादी सुन रहे थे। और यहाँ पर एक सीतामढ़ी ज़िले से आए हैं फरियादी, आपका मामला क्या है? सर मामला है से मेरा 11 साल से मैं सीतामढ़ी में इंडस्ट्रियल मशीन के दुकान खोल रखा हूँ सर जी। तो 2 साल पहले जो पहला वाला जो कोरोना हुआ था सर, उसमें महाप्रबंधक द्वारा कहा गया से आप मशीन का सप्लाई इसमें कीजिए, माइग्रेंट लेबर को उद्योग लगाना है उसमें आपको मशीन देना है। हम कहे सर सरकारी में मशीन देने पर समय पर पैसा नहीं मिलता है, कहे सर नहीं पैसा आपको मिल जाएगा, हमने मशीन उसमें दे दिया, कोई कमीशन का बात नहीं था सर। उसके बाद 2 साल हो गया पैसा का, और पैसा उस टाइम हमको एडवांस के रूप में दिया गया था, फिर दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते लगाते फिर इधर 7 लाख रुपये हमको दिए हैं, बाकी रुपया वो मेरा रोक रखे हैं, जबकि DDC साहब और DM साहब पैसा भेज चुके हैं GM साहब के अकाउंट में, और GM साहब कहते हैं से नहीं आप हमको 10% कमीशन दीजिएगा जब ही हम आपको पैसा दे पाएंगे। लास्ट में हमसे क्या किए 47,500 रुपये वो कमीशन के रूप में ले चुके हैं, जो मेरे पास सर उसका ऑडियो वीडियो दोनों है सर, ठीक है वो हम दिखा देंगे, सामने है देख लिया जाए सर, मेरे पास दोनों हैं। और अब कहते हैं से जब तक आप हमारा पैसा नहीं कमीशन नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं करेंगे, और खाली ऑफिस में अनावश्यक लोग को बाहरी को बैठा कर और ऑफिस में दिन रात अपना काम करते हैं और मोटी कमीशन लेते हैं, और जितना भी काम होता है जाके जिला में देखिए जो भी मुख्यमंत्री हुआ उद्यमी योजना चल रहा है सर, उसमें 1-1 लाख रुपये महाप्रबंधक द्वारा लिया जाता है, कोई न मशीन है, सारा बिल तिल सब जाली फाली बना के वो अपना काम कराते हैं, वो ऑफिस में रात में डेरा रखते हैं, डेरा नहीं रखे हुए। यानी आप 4 काम किए थे, चारों का अलग अलग तरह से कमीशन मांगा जा रहा है? हाँ, चारों काम का अलग अलग तरह से कमीशन मांगा जा रहा है सर हमसे, चारों का कमीशन आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपका भुगतान नहीं होगा, मेरा पैसा रुक। आपके पास कोई साक्ष्य है जैसे? एकदम सर, मेरे पास देख लिया जाए सर, उनका वीडियो ऑडियो सब है सर, हम आपको दिखा रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे हैं। यानी ये लेटर भी आपने लिखा? हाँ, लेटर भी हम लिखे हैं सर, देख लिया जाए सर, यहाँ पे GM साहब से बातचीत हो रही है, देखिए यहाँ GM साहब, देखिए यहाँ GM साहब हैं ऑफिस के अंदर, वो अपना लुंगी और गंजी पहने हुए हैं, और इसी में तो ये इसमें किस यानी मंत्री जी के नाम से आपने आवेदन लिखा जी? उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब के नाम से हम आवेदन लिखे हैं, इस पर कार्रवाई जो होगा वो अपना कार्रवाई करें, हमको इंसाफ दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राम विनय कुमार, और मैं यही विनती करूंगा सर ऐसे पदाधिकारी को हमारा ऑडियो वीडियो लेकर और बहुत भारी से भारी इन पर कार्रवाई किया जाए, जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो किया जाए ताकि जनता जो है सो मुक्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री साहब रेगुलर कहते हैं सर इस तरह का काम नहीं है, लेकिन देखिए सर क्या हो रहा है। चलिए, तो सरकार में लगातार जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अलग अलग दफ्तरों का चक्कर लगाते नजर आते हैं। आज ये व्यक्ति दिन भर लगातार इतनी गर्मी में कभी ये दफ्तर तो कभी वो दफ्तर लगातार ये चक्कर लगा रहे थे। अब देखना होगा इनकी बात कितनी जल्द सुनी जाती है। JDU कार्यालय के पास हम आए थे, यहाँ पर हर दिन की तरह सहयोग कार्यक्रम चलता है जिसमें कई तरह के मंत्री आते हैं, अब देखना होगा कितनी जल्द इनकी बात सुनी जाती है, कितनी जल्द अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।